वेलकम बैक टू आवर फूड चैनल जो फ्लेवर्स में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो रेसिपी सुपर सुपर हेल्दी एंड डिलीशियस है। ये डिश का नाम है मिक्स स्प्राउट एंड स्पिनच टिक्की। ये डिश वेजिटेरियन है, आप इजीली टिफिन के लिए बना सकते हो और आपके बच्चों लोगों को स्प्राउट्स पसंद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने टिक्की में स्प्राउट डाला है वो पता भी नहीं चलेगा। So, चलो देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द लिंक इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो चलो देखते हैं आज की हेल्दी रेसिपी कैसे बनाते हैं। स्प्राउट्स एंड स्पिनच टिक्की बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिक्स स्प्राउट्स। मैंने यहाँ पे लिया है मूंग, मटकी एंड ब्लैक चना। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ चिकपीस। चिकपीस को मैंने ओवरनाइट सोक किया था और कुकर में मैंने 2 सीटियाँ लगाई है। चिकपीस हम बाइंडिंग के लिए भी यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है स्पिनच। स्पिनच को अच्छे से वॉश करके श्रेडेड करके लिया है और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जिंजर, गार्लिक, चिली एंड फ्रेश कोरिएंडर। मेरे पास ये स्मॉल चॉपर है वो मैं यूज कर रही हूँ। इसमें मैं चॉप करूंगी जिंजर, गार्लिक, चिली एंड अभी मैं ऐड करूंगी स्पिनच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को चॉपर में अच्छे से चॉप करना है। यहाँ पे मैं स्पिनच यूज कर रही हूँ। स्पिनच में बहुत आयरन होता है, स्पिनच बहुत हेल्दी भी होता है। अभी आप देख सकते हो इस चॉपर में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चॉप किया है। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसी चॉपर में मेरे स्प्राउट्स को चॉप करूंगी। मेक श्योर हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ग्रैन्यूल्स रखने हैं। आप देख सकते हो अपना मिक्सर रेडी है। मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है, मैंने छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रखे हैं। सो टिक्की खाते वक्त आपको वो थोड़ा क्रंचीनेस आ जाएगा। सो अभी मैं ये स्प्राउट का मिक्सर स्पिनच के मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्पिनच यूज किया है, बट इंस्टेड ऑफ स्पिनच आप यहाँ पे मेथी भी यूज कर सकते हो। अभी इसी चॉपर में मैं चिकपीस को चॉप करूंगी। मैंने चिकपीस को ओवरनाइट सोक करके कुक करके लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर। चिकपीस का पेस्ट हो जाएगा बिकॉज चिकपीस को कुक करके लिया है। जैसे आप देख सकते हो ये चिकपीस को हम एज अ बाइंडिंग यूज करेंगे। सो अभी मैं चिकपीस का मिक्सचर इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके घर पे जो भी स्प्राउट्स अवेलेबल है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको हाथ से ही मिक्स करती हूं। इस टिक्की के मिक्सर में आप अनियन, स्प्रिंग अनियन भी यूज कर सकते हो। ये डिश बहुत बहुत हेल्दी है, आप आपके बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। अभी ये मिक्सचर में मैं थोड़े स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। यहाँ पे मैं चिली पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने चिली ऐड किया है। सो अभी मैं ऐड कर रही हूँ पोहा। पोहा को मैंने मिक्सर में क्रश करके लिया है, उसका पाउडर बनाया है। पोहा के वजह से टिक्की को अच्छा सा बाइंडिंग मिलेगा। इंस्टेड ऑफ पोहा आप बेसन भी यूज कर सकते हो, ग्राम फ्लावर, ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हो। ये मिक्सर को अच्छे से मिक्स करना है। सो अभी यहाँ पे स्प्राउट का एंड स्पिनच का मिक्सर रेडी है। अभी मैं इसके छोटे छोटे टिक्कीज बनाऊंगी। आपको जो शेप में टिक्कीज चाहिए वो शेप में आप बना सकते हो।
मैं यहाँ पे राउंडल शेप में टिक्की बना रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी टिप्स एंड ट्रिक्स में मेंशन करूंगी बहुत सारे टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो टिक्कीज का बहुत अच्छा ग्रीन कलर आया है बिकॉज ऑफ स्पिनच एंड कोरिएंडर। आप ये पक्का घर पे ट्राई करके देखना बिकॉज ये बहुत हेल्दी डिश है। सो अभी अपने टिक्कीज रेडी है। ये टिक्कीज मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। मैंने एक नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और टिक्कीज को हमें दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। टिक्की का आउटर पार्ट क्रिस्पी रहना चाहिए और अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। आप देख सकते हो एक साइड से बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ज्यादा ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है नॉनस्टिक पैन पे। वाओ, टिक्की दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये रेसिपी सुपर सुपर हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम एंड टैग जो फ्लेवर्स मीट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर ग्रेट रेसिपी। टिल देन स्टे सेफ एंड एंजॉय कुकिंग।